इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम के पार्ट वन में हमने नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं और होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याओं के बारे में जाना और इंटीजर्स के एक सिंपल से डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा। इसके आगे एक इंटीजर्स का टिपिकल डेफिनेशन को भी हम पढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं विकास, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिबरी लाइट में। इस सीरीज में इंटीजर को विस्तार से हम जानेंगे। जानने से पहले गुजारिश है आपसे कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगे, अच्छा समझ में आए टॉपिक, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो आगे चलते हैं इसके एक टिपिकल डेफिनेशन पे कि इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इंटीजर्स आर सेट ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच इंक्लूड ऑल होल नंबर्स दैट इज जीरो टू ऑल पॉजिटिव नंबर्स। होल नंबर्स में क्या आते हैं, हमने पीछे टॉपिक में डिस्कस किया था कि सारी जीरो और सारे धनात्मक जो संख्याएं होती हैं यानी जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स, बट डू नॉट इंक्लूड, यानी कि ये इंक्लूड नहीं करता अपने में, इंटीजर्स में नहीं आता है। क्या नहीं आता है? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ऑफ नंबर्स। फ्रैक्शंस और जो दशमलव वाली संख्याएं होती है, फ्रैक्शंस यानी जैसे एक वन बाई टू, एक बटा दो या टू एंड वन बाई फोर, इस टाइप के नंबर फ्रैक्शंस, या डेसिमल में जैसे 2.3256 एटसेट्रा, इस टाइप के नंबर्स हमारे इंटीजर्स में नहीं आते हैं। इंटीजर्स का को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण मीन्स कंप्लीट नंबर्स, तो इसमें कंप्लीट नंबर्स वो सारे कंप्लीट नंबर्स आते हैं जो जीरो, सारे पॉजिटिव कंप्लीट नंबर्स, सारे नेगेटिव कंप्लीट नंबर्स, ये सब इंटीजर्स में आते हैं। इसको एक नंबर लाइन पर हम इस टाइप से समझ सकते हैं, जैसे ये एक अगर नंबर लाइन है और अगर हम इसके बीच में या कहीं भी एक ज़ीरो से इनिशिएट करें तो इसके राइट हैंड में यानी इधर की साइड ऑल पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये नंबर्स इन्फिनिटली आते जाते हैं, और इधर लेफ्ट साइड में यानी इधर -1, -2, -3 एटसेट्रा ये नंबर्स इधर आते जाते हैं। यानी कि ये एक सेट है, एक समूह है जिसमें कि ऑल होल नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आते हैं। इसके बारे में आगे जानते हैं। इंटीजर्स में इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स आते हैं। इवन नंबर्स यानी जो हमने इसमें सारे नंबर्स इंक्लूड किए थे उसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर। इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या बोलते हैं, हिंदी में सम संख्याएं, और ऑड को विषम संख्याएं बोलते हैं। विषम संख्या और सम संख्या के बारे में अगर हम जाने कि विषम संख्या क्या होती है और सम संख्या क्या होती है, तो एक मोटा मोटी लेमेंस लैंग्वेज में जो विषम संख्या होती है वो इंटीजर्स जिसे हम दो बराबर पार्ट्स में हम नहीं तोड़ सकते, मीन्स टू इक्वल पार्ट्स हम नहीं कर सकते, टू इक्वल पार्ट्स हम नहीं कर सकते। और सम संख्या वो सारे नेचुरल नंबर्स जिनके हम टू इक्वल पार्ट्स हम कर सकते।